दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे बेहतरीन टॉयज के बारे में जो कि काफी ज्यादा मस्ती के लिए बनाए गए हैं। वहीं इसमें से कुछ गैजेट एडवेंचरस होते हैं जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। तो जानने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, जहां पर 15 गैजेट की इस सीरीज में मिलने वाले हैं कुछ ऐसे ही कमाल के गैजेट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब मारिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। चलते हैं, देखते हैं कि कौन रहता है नंबर 15 पर। नंबर 15, फ्लाइनोवा। दोस्तों बचपन में बॉल से कैचम कैच खेलने का मजा तो सभी ने लिया है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की गजब के गैजेट का। दरअसल ये एक ऐसा टॉय होता है जिसे कि आप जैसे ही हवा में थ्रो करते हैं तो ये आपकी तरफ तेजी से वापस आता है। इसमें मल्टी कलर RGB LED लाइट्स लगी होती है जो कि इसे और भी ज्यादा बेहतरीन बनाती है, जिससे कि रात में ये काफी अच्छी तरीके से विजिबल होगा। तो अगर आप भी इससे कैचम कैच खेलना चाहते हैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये आपको। नंबर 14, K9 कैनन मिनी। दोस्तों पेट के साथ खेलने के लिए हम लोग काफी सारे टॉयज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पेट को सबसे ज्यादा पसंद होता है बॉल के साथ खेलना। तो अगर आप भी बॉल के साथ खेलना चाहते हैं जिससे कि आप बॉल को दूर तक थ्रो करें और वो आपके लिए उसे पकड़ कर लाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के गैजेट को। फिजिकली अगर आप थ्रो करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, और आपको दूर तक फेंकना है तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा दम लगानी पड़ेगी। लेकिन इस तरीके के छोटे से कैनन की वजह से आप आसानी से दूर तक बॉल को थ्रो कर सकते हैं, जिसे लाना पेट के लिए अच्छी खासी एक्सरसाइज होगी। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा सिंपल और कमाल का रहता है। नंबर 13, बंचो बैलून्स। दोस्तों बलून्स को फुलाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप इस काम को आसानी से करना चाहते हैं वो भी बल्क में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों होली के समय बहुत सारे लोग गुब्बारे में पानी या फिर कलर भरकर एक दूसरे पर फोड़ते हैं, जो कि एक मजेदार खेल रहता है। लेकिन दोस्तों इस तरीके के गुब्बारे भरना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है, तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जिससे कि आप आसानी से गुब्बारों में पानी या फिर कलर भर पाएंगे। वहीं बात करी जाए इसकी कीमत की, तो वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में यह आपको मिल जाता है। तो अगर आप इसकी कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 12, H2O निंजा एक्स। दोस्तों अगर आप पानी में गोते लगाना चाहते हैं यानी कि डाइविंग करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी के अंदर सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में आपको सिलेंडर साथ ले जाना ही पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक अपना वजन होता है और वो डाइविंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी पैदा करता है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि आपकी डाइविंग को और भी ज्यादा आसान बना देगा। दरअसल मास्क जैसा दिखने वाला ये गैजेट एक ऐसा गैजेट होता है जिसमें एक छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होती है। वहीं इस साइज में एकदम हेलमेट के बराबर होता है, जिससे कि इसे कैरी करके डाइव करने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आप भी ऐसा कोई छोटा सा गैजेट चाहते हो जिससे कि आप डाइविंग को आसान बना सके, तो ये गैजेट आपके काफी ज्यादा काम आएगा। नंबर 11, नर्फ एंड स्ट्राइक एलाइट टाइटन। दोस्तों अगर आपने मैन इन ब्लैक मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एलियंस को मारने के लिए किस तरीके की गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप ऐसी गन चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप मस्ती के लिए कर पाए, तो ये गन आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि इसका साइज काफी ज्यादा अतरंगी सा होता है, जिससे कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है। वहीं दोस्तों इसमें डर्ट का इस्तेमाल किया जाता है फायरिंग करने के लिए, जिससे कि अगर ये किसी को लग भी जाता है तो उसे चोट नहीं आने वाली। साथ ही इसमें ड्रम लगा होता है, जिससे कि खुद ब खुद ये गन रिलोड होती रहती है, जो कि एक मजेदार इसका फीचर रहेगा। तो अगर आप एक ऐसी गन चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप खेलने के लिए कर पाए, साथ ही आप अपने रूम में इसे सजा कर रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये काफी ज्यादा बेहतरीन लगेगी। नंबर 10, फ्लाइट बोट ईफॉइल। दोस्तों अगर आप वाटर सरफेस राइडिंग का मजा लेना चाहते हैं तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा फ्लाइट बोर्ड होता है जो कि पानी की सरफेस पर अच्छी तरीके से उड़ान भर सकता है। इसके नीचे की तरफ एक पावरफुल मोटर लगी होती है, जो कि एक बेहतरीन बैलेंस बनाने में मदद करेगी, जिससे कि इसे पावर मिलती है। वहीं दोस्तों इस पर जब आप खड़े होकर फ्लाइट बोर्ड का मजा लेते हैं तो ये एकदम अलग ही सा एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप भी वाटर सरफेस राइडिंग का मजा लेना चाहते हैं अपनी छुट्टियों में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के फ्लाइट बोर्ड का। नंबर 9, यूज एट इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड। दोस्तों वाटर सरफेस राइडिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड भी कमाल की चीज रहती है, जिसमें वो अच्छे खासे मजे कर सकते हैं। दरअसल इसमें एक चौड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जिस पर आप खड़े होकर आसानी से सरफेस राइडिंग का मजा ले पाएंगे। इसमें आपको एक कंट्रोलिंग थ्रॉटल भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि इसे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। इसमें मल्टीपल लेवल स्पीड सेटिंग्स देखने को मिलती है, जिससे कि आप अपनी सुविधा अनुसार राइडिंग का मजा ले पाएंगे। तो अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं मस्ती के लिए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। नंबर 8, एसिवो टर्बो सी स्कूटर।
दोस्तों रोड पर चलने के लिए हम लोग बाइक्स और स्कूटर का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आप पानी के अंदर कहीं जाना चाहते हो तो शायद आपको इसके लिए तैरना आना जरूरी है। लेकिन अगर आप स्विमिंग नहीं जानते तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के अंडर वाटर स्कूटर को, जो कि इस काम में आपकी मदद करेगा। दोस्तों इस स्कूटर में ठीक वैसा ही एक हैंडल होता है जो कि नॉर्मल स्कूटर में होता है। इसे आप पकड़ के ठीक वैसे ही रोटेट करके इस्तेमाल कर पाएंगे पानी के अंदर कहीं भी आने जाने के लिए। इसमें बैटरी इनबिल्ट होती है और आप सिंगल चार्ज पर इसे लगभग 35 मिनट तक इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। नंबर 7, गो कार्ट बाय हाइपर गोगो। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन मीडियम तो आज के जमाने में बहुत हैं जिनका इस्तेमाल आप आने जाने में कर सकते हैं, लेकिन अगर बात एक ऐसी छोटी सी कार की हो जिसका इस्तेमाल आप पर्सनल कहीं भी आने जाने के लिए कर सके तो ये एक मजे की बात रहती है। ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जिसका इस्तेमाल आप पर्सनली कहीं भी आने जाने के लिए कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे टायर्स वाली एक मोटर होती है जिसे कि आप इस कार्ट में अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद ये कार्ट आपके लिए कहीं भी जाने के लिए एकदम तैयार रहेगी। हालांकि इसका इस्तेमाल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को इस तरीके की गाड़ियां काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। अगर आप भी चाहें तो इसे ट्राई करके एक बार जरूर देख सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में कहीं जाने के लिए। नंबर 6, ART15। दोस्तों ई बाइक्स का चलन तो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम बात एक ऐसी स्कूटर की करें जिस पर आपको कोई खास मेहनत ना करनी पड़े तो ये गैजेट खासा आपके लिए काफी ज्यादा आरामदायक रहेगा। इसमें ऊपर की तरफ भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप खड़े होते ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसे शॉर्ट डिस्टेंस पर जाने के लिए बनाया गया है, लेकिन ऑफिस जाने के लिए या फिर कहीं आसपास जाने के लिए ये एकदम परफेक्ट रहता है। इसकी कमाल की बात रहती है वो रहता है इसका साइज, क्योंकि इसे आप कहीं भी फोल्ड करके आसानी से ले जा सकते हैं। तो इस तरीके का स्कूटर बेहतरीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का होना है। नंबर 5, बर्डी। दोस्तों सेल्फी लेने के लिए हम लोग सेल्फी स्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप टॉप एंगल से सेल्फी लेना चाहते हैं तो ये शायद उससे पॉसिबल ना हो। हालांकि इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आप जब फोल्ड करके हवा में उछालते हैं तो ये एकदम सीधा हो जाता है, जिससे कि इसका निचला हिस्सा जहां पर कैमरा लगा होता है ये आपकी तरफ फेस कर लेगा और आसानी से इसमें सेल्फी क्लिक हो जाएगी। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, और जैसे ही ये नीचे आ रहा हो आप फौरन इसे कैच कर सकते हैं जिससे कि कैमरे को टूटने से बचाया जा सके। हालांकि रिस्की होता है, लेकिन फिर भी अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। नंबर 4, स्क्वायर ऑफ स्वैप एंड नियो। दोस्तों अगर आप चेस खेलने के शौकीन हैं तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि चेस खेलने का मजा तो तभी आता है जब आपका अपोनेंट सामने से चाल चल रहा हो। लेकिन बहुत स्पेसेस में ऐसा होता है कि आपका अपोनेंट आपके सामने नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप उसे रियलिटी में फील करना चाहते हैं तो ये चेस बोर्ड काफी ज्यादा कमाल का रहेगा। ये एक ऐसा मैग्नेटिक चेस बोर्ड होता है जिससे कि आप दुनिया में किसी भी बैठे व्यक्ति को चैलेंज कर सकते हैं, साथ ही वो अपनी चाल चलेगा और आपको आपके सामने प्यादे मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके का कमाल का गैजेट काफी ज्यादा पसंद आएगा, जो कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्लासिक चेस बोर्ड को बरकरार रखता है। नंबर 3, फ्लैश लाइट लेड फ्लाइंग डिस्क। दोस्तों अगर आप फ्लाईबोर्ड खेलना पसंद करते हैं तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा मजेदार लगेगा। इसके पीछे वजह ये होती है कि जो नॉर्मल फ्लाईबोर्ड आते हैं उनका इस्तेमाल रात के समय नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्तों इसमें RGB LED लाइट्स लगी होती हैं जिससे कि आप रात में भी अगर इसे खेलते हैं तो ये आपको रात में भी विजिबल रहेगा पूरी तरीके से, जो कि इसे खास बनाता है। तो अगर आप भी अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन छोटा सा गिफ्ट चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के फ्लाईबोर्ड को। नंबर 2, ऑरा ड्रोन कंट्रोलर। दोस्तों ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मोबाइल फोन या फिर रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से ही कंट्रोल करना चाहते हैं ड्रोन को तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की गैजेट को। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जो कि ग्रेविटी सेंसर पर काम करता है, साथ ही ये आपके हाथों के मूवमेंट को भी रिकॉग्नाइज करेगा जिससे कि ड्रोन आपका रिएक्ट कर सके उसी तरीके से। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट, जो कि ड्रोन कंट्रोल करने की एकदम डेफिनेशन को ही बदल कर रख देने वाला है। तो अगर आप किसी ड्रोन को मोबाइल फोन से या फिर रिमोट कंट्रोल से नहीं कंट्रोल करना चाहते तो हाथ से भी इस काम को आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो में एक से बढ़कर एक मजेदार टॉयस देखी, लेकिन बात नंबर 1 की है तो कुछ ना कुछ खास तो होना ही चाहिए। लेकिन उसे दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर से करिएगा। वहीं अगर आप इनमें से दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं या फिर उन्हें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट के नंबर 1 पर। नंबर 1, स्फीरो मिनी एक्टिविटी किट।
दोस्तों बच्चों को बॉल से खेलना तो काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन अगर बॉल थोड़ी सी रोबोटिक हो तो शायद बात ही अलग होगी। तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जो कि कुछ इसी तरीके के एडवांस फीचर्स के साथ आता है। इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन की मदद से बहुत ही ज्यादा इजिली। इस तरीके की बॉल से अलग अलग तरीके के गेम खेले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों इस बॉल में आपको कोडिंग के फीचर्स भी इसके ऐप में देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अलग अलग तरीके से इसे प्रोग्राम कर सकते हैं मूवमेंट करने के लिए। तो गजब का रहता है इस तरीके का गैजेट, जिससे काफी कुछ सीखा जा सकता है और एंजॉयमेंट तो किया ही जा सकता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।